गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ कीर्ति शिखरवा। और सुबह के बज रहे 10:21 और मैं अभी सो के उठ के आई हूँ और एक कप चाय पिया है। आज के दिन की शुरुआत मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। आज सोचा कुछ नया करने वाली हूँ पूरे दिन में। मैंने सोचा आज मेरी बुआ भी आई हैं, उनसे भी मिल के आएंगे और कुछ नया फन भी करेंगे। और जो मैं करूँगी मैं आप सबको दिखाऊँगी भी आज मैंने क्या क्या किया है। गाइस, मैंने दिन की शुरुआत कर दी है और दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि आज मौसम भी इतना अच्छा है कि धूप निकली है और धूप इतनी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारा बोन्स एंड मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और हमारी जो बिटी है ना, वो बॉडी का नर्वस सिस्टम एंड वेंस को काफ़ी मजबूत बनाता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन डी नेचुरली मिलती है तो क्यों ना इसका इंजॉय किया जाए। और हमेशा ना धूप में विटामिन डी जो हमें मिलता है वो हमें बैग से मिलता है, इसलिए हमें धूप में हमेशा बैठ करके बैठना चाहिए। धूप मैंने काफ़ी सारी ले ली, विटामिन डी भी मिल गया। आप चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं क्योंकि मम्मा बुला रही हैं काम करने के लिए और थोड़ा काम भी कर लेते हैं। गाइस, ये मैं अनार लेके आई हूँ, अब इसको मैं खाने वाली हूँ। और ये अनार हमें बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हो मैंने अपना अनार पूरा छील लिया है, अब इसको मैं खाने वाली हूँ। अब ये मैं खाऊंगी, आप देखो मैं इसको खाने वाली हूँ। मैं खाने के बाद बहुत सारा काम करूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। आदमी हूँ, अब मेरे को थोड़ा लंच की तैयारी करनी है। तो आज मैं लंच में आलू जीरा बनाऊँगी और आलू जीरा की आपको रेसिपी भी दिखाऊँगी। और मैं आलू को छीलना शुरू करती हूँ। आलू जीरा बनाने के लिए मेरे को आलू पहले छीलना पड़ेगा, फिर इनको मैं स्लाइस करूँगी और फिर इसको मैं स्लाइस करने के बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। जैसा कि देख सकते हैं कि आलू जीरा बनाने के लिए मैंने अपने आलू चॉप कर लिए और इस शेप में चॉप किए हैं। अब मैं इसको इसमें अब पानी करके रखने वाली हूँ और फिर मैं इसको बनाऊँगी। आप देख सकते हो कि मैंने जो है आलू जीरा बनाने के लिए अपने आलू जो है मैंने 5 मिनट के लिए पानी में रख दिए। ऐसा आप देख सकते हो कि आलू जीरा बनाने के लिए मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। जीरा बनाने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। सब डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जो मसाला जो मैंने डाला है, नमक, मिर्च और हल्दी और जीरा, जो वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस, देख सकते हो कि इसमें हल्दी जो है, मिर्च और नमक काफ़ी अच्छे से मिल चुके हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 कटोरी पानी डालूंगी जिससे जो आलू जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तो गाइस, वेलकम फिर से। कि अब बजे शाम के 4:30 और मैं अभी 1 घंटे पहले सो के उठी हूँ अभी। और उससे पहले मैंने लंच किया, फिर उससे भी पहले मैं नहा के आई, अपने हेयर वॉश किए। तो अब मैंने हेयर्स को कॉम किया है, मैं काफ़ी थक गई थी तो उससे भी सो गया, तो मैंने बीच में ब्लॉग शूट नहीं किया। अब हम ऊपर चलते हैं, आपके चलो कुछ फ़ोटो शूट करेंगे और कुछ मज़े करें। गाइस, मैं छत पे आ गई हूँ और मुझे यहाँ आके काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। अब आए हैं छत पे, कुछ मज़े करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। और अब नीचे आ गया, मैं आपको एक हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। जो जो लड़की स्पेक्स पहनती है उनको कुछ हेयर स्टाइल शूट नहीं करती हैं। आज मैं अपनी स्पेक्स के साथ आपको हेयर स्टाइल बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी ट्राई करना। मैं जो हेयर स्टाइल बना रही हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले अपने साइड पार्टीशन निकालना पड़ेगा। साइड पार्टीशन के साथ आपको अपने ऐसे हेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इन हेयर्स को मैं ऐसे लेना, एक एक साइड से पकड़ना, फिर ऐसे इनको ट्विस्ट करना, देन सारे यहाँ तक के सारे बाल लेने और ऐसे फ्लिप निकाल लें, ठीक है। दैन इन बालों को मैंने ऐसे लिया, उनको ऐसे ट्विस्ट किया। दैन ट्विस्ट करने के बाद आप ऐसे इनको यू करके आप इनको फ्लिप ला इनको आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। और आप इधर से अपने बालों को ऐसे निकाल सकते हो और आप ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हो। देखो लुक कैसे लग रहा है।
रेडी हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसी लगी। शाम के जैसे आप सबको पता है शाम के 5:30 बज गए हैं और 5:30 बज गए तो मेरे चाय पीने का टाइम हो गया। अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ और चाय पीऊँगी और फिर आप सबके साथ इंजॉय करूँ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो मेरी चाय है वो रेडी हो रही है, फिर इसको मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। गाइस मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।